खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा, दिल्ली में एयर प्यूरिफायर लगाने के सिस्टम का प्लान तैयार करें। प्रदूषण पर संसदीय स्थायी समिति की मीटिंग में तीनों एमसीडी के मेयर नहीं पहुंचे। पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर बोले, सख्त नोटिस लिया जाएगा। प्रदूषण पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में ना पहुंचने पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर सवाल उठे, पोहा जलेबी खाते गंभीर का फोटो वायरल। रोहतक में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ योगी के मठ में जलाई गई 1 एकड़ में फैली पराली, प्रदूषण को लेकर उठे सवाल। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, मौसम विभाग ने कहा है अगले 2 दिन प्रदूषण कम हो सकता है, नहीं हुआ तो सोमवार को ओडीवन बढ़ाने पर फैसला करेंगे। दिल्ली में आज ओडीवन का आखिरी दिन रहा, लेकिन नहीं सुधरी हवा, प्रदूषण अब भी खतरनाक, नोएडा गाजियाबाद समेत NCR के लोग भी बेहाल। प्रदूषण के बीच दिल्ली में बिकती साफ हवा, साकेत में खुला हवा का बार 299 रुपए में 15 मिनट बिल्कुल साफ हवा मिलेगी। कल महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। शरद पवार बोले, सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। महागठबंधन के कांग्रेस NCP का शिवसेना के साथ फॉर्मूला तैयार, महाशिव गठबंधन में CM शिवसेना का, NCP कांग्रेस को डिप्टी CM पद के कयास। संजय राउत बोले, 5 साल क्या, अगले 25 साल शिवसेना का रहेगा CM, बीजेपी बोली सत्ता के लिए हुआ है बेमेल गठबंधन। महाराष्ट्र में सरकार पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनीति में कुछ भी संभव, आखिरी वक्त में भी मैच का नतीजा अपने पक्ष में आ जाता है। NCP के नवाब मलिक ने कहा, गठबंधन सरकार में निश्चित तौर पर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का डंका बजाकर देश लौटे PM मोदी, बैठक में आतंक को लेकर मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। कांग्रेस बोली, जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरे नेताओं को नजरबंद कर चुनाव कराने की बात कैसे कर सकती है। गुजरात के भरूच में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा बोले, अयोध्या में मंदिर के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की वजह से आया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के बाद लगी हुई है रोक। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन बॉर्डर पर बुमला पास में जवानों से मिले, बोले LAC पर चीन से कोई तनाव नहीं है। तुआंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ लगाए बजरंग बली और भारत माता की जय के नारे। फ्रांस में यूनेस्को के कार्यक्रम में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत का करारा जवाब, कहा पाकिस्तान में आतंकवाद का DNA है। लखनऊ के विकास प्राधिकरण में कमर्शियल प्लॉट आवंटन में घोटाला, 3 महीने पहले डिप्टी CM मौर्य ने योगी को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने घर में प्रीपेड मीटर लगाकर योजना की शुरुआत की, 15 नवंबर से नेता अफसरों के घर में लगेंगे मीटर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, राज्यपाल PS चौहान साथ मौजूद रहे। पटना के कोतवाली थाने में कल लगी आग से बिहार बोर्ड के घोटाले की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज जल गए। छात्रा फातिमा के सुसाइड केस पर मद्रास IIT प्रशासन की सफाई, कहा परिवार के साथ हैं, जांच में पूरा सहयोग दिया, हमें बदनाम ना करें। नोएडा में नौकरी दिलाने के बहाने एक लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में 500 तोतों के साथ 6
छह तस्करों को पकड़ा गया, लखनऊ से गोरखपुर ले जाए जा रहे थे। जयपुर में सांभर झील के पास 1000 विदेशी पक्षियों की मौत, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन का वैज्ञानिकों को शक। अहमदाबाद के 5-स्टार होटल में 3 अंडों का बिल आया 1672 रुपए, संगीतकार शेखर ने जारी किया बिल। यूपी के अलीगढ़ में 251 जोड़ियों का सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजन। अयोध्या पर फाइनल फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का आज आखिरी वर्किंग डे, 17 नवंबर को होंगे रिटायर, मीडिया पत्रकारों की तारीफ की। मुंबई के अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार, आज राज ठाकरे अस्पताल में मिलने पहुंचे। शादी की सालगिरह के मौके पर रणवीर और दीपिका अमृतसर में गोल्डन टेंपल पहुंचे, कल त्रिमाला मंदिर में किए थे दर्शन। इंदौर टेस्ट का आज दूसरा दिन, मयंक ने करियर का 3रा शतक लगाया, कोहली 0 पर आउट, बांग्लादेश पर बड़ी बढ़त की ओर भारत।